नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। है उसके सदस्य हैं हिमांशु जी, इनसे आप दिल्ली से लेकर के यहाँ तक के बारे में आप सवाल करिए। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में? दिशा में बड़ी ताकत की संख्या में है और मैं सदस्य हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम का सदस्य हूँ और यहाँ बंगाल आने का उद्देश्य एक ही है कि जो पंचायतों का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में हो चुका है, वो मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड के बढ़कर उड़ीसा, कर्नाटक, इन सब राज्यों में पहुँचे और ख़ासकर जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ भी संयुक्त किसान मोर्चा ने के नेतृत्व ने और उसकी कमेटी ने फैसला किया है कि हम उन राज्यों में जाएंगे और जाकर वहाँ की किसान जनता और बाकी उन राज्यों की जनता को यह बात बताएंगे कि मोदी सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार किस तरीके से अपना घमंड और अहंकार छोड़ नहीं रही और किसान के मसले को उसने मूंछ का सवाल बना लिया है। 250 किसानों से ज़्यादा शहादतें होने के बाद भी वह किसानों की वाजिब मांग 3 काले कानून रद्द करो और MSP की गारंटी का कानून बनाओ, इसको बनाने को लेकर उसने अभी भी कोई रास्ता नहीं निकाला है इतने दौर की बातचीत के बाद भी। इसलिए हम बंगाल आ रहे हैं और बंगाल में 12, 13 और 14 तारीख को यहाँ पर किसान पंचायतें होंगी, वैसी ही किसान पंचायतें होंगी जैसे हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में आप सब लोगों ने देखा है और ऐसी पंचायतें उड़ीसा में 19 तारीख को भी होगी। यहाँ के बाद क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा दो है। देखिए, पूरे देश में जो मंडियाँ हैं वो ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में उसकी आधी से ज़्यादा मंडियाँ हैं और MSP की गारंटी के कानून का जो सबसे ज़्यादा फायदा होना है वो फ़ायदा होना है पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों को, क्योंकि यहाँ पर जो फसल बिकती है वो MSP के नीचे बिकती है और MSP अगर मिलेगा तो यहाँ पर किसानों को फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो मजदूरी कर रहे हैं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, उनके भी गाँव में जो उनको खेत है अगर वहाँ भी MSP मिलेगा तो उससे उनके घर में कुछ और आय आएगी। इसलिए MSP की गारंटी का कानून और 3 कानून जिससे पूरा देश प्रभावित होगा, किसानों की जमीन छीनने का कानून, किसानों की उपज की गारंटी करने का कानून और कंपनियों को बड़ी बड़ी खेती कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून, इससे बंगाल भी अप्रभावित नहीं है। बंगाल देश का हिस्सा है, बंगाल आज़ादी की लड़ाई में उसका बड़ा योगदान था, पंजाब की तरह योगदान था, उत्तर प्रदेश की तरह योगदान था, तो यह पूरे देश का भाईचारे का विषय है और पूरे देश का एक ही सवाल है और वो सवाल पूरे देश में जब आप 500 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा बना है तो उसमें बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, उसमें पूरे देश के किसान प्रतिनिधि शामिल हैं, तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, ये हमारा राज्य है और इसमें हम बताएंगे लोगों को कि यह बंगाल में किस तरीके से किसानों के हक को झूठ फैलाकर केंद्र सरकार यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रही और सपने दिखा रही है जबकि वह किसानों के साथ उसने दिल्ली में 100 दिनों से ज़्यादा हो गया है उनके साथ वो धोखा कर रही है और उनकी मांग आज तक नहीं मांग रही। बंगाल में हमारे आने से सरकार पर दबाव पड़ेगा और सरकार पूरे देश में ये जनाधार बढ़ेगा तो संगठित जनमत, जिसको महात्मा गांधी ये कहते थे कि लोकनीति द्वारा राजनीति को नियंत्रित किया जा सकता है, दिशा दी जा सकती है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे और किसानों की बात को माननी पड़ेगी। किसको देखिए कितना फायदा होगा कितना नहीं ये तो हम नहीं जानते, हम ये भी नहीं कहना चाहते कि हम किसी को जिताने और किसी को हराने आए हैं, लेकिन हम बंगाल की जनता को ये बताने आए हैं कि किसने किसानों के साथ धोखा किया है और यह बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं और हम लोगों को यह बताएंगे नहीं कि किसानों के साथ किस तरीके से दुर्दशा हो रही है, बंगाल भी देख रहा है। इसलिए बंगाल के किसानों के सवाल को उठाने के लिए और उसी क्रम में जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद वो क्रम बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पहुंचता है तो उस क्रम में हम बंगाल आ रहे हैं, आगे हम और राज्यों में भी जाएंगे। देखिए ये संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसका कोई सवाल नहीं, या एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जिसमें तमाम विचारधाराओं के लोग किसान संगठन के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हैं, वो किसी भी संगठन जिसमें राजनीतिक किसी भी संगठन का समर्थन वो हमें लोग तो कर रहे हैं लेकिन यह मंच केवल किसान संगठनों का होगा और इस मंच से केवल किसान संगठनों के नेताओं के ही भाषण। देखिए संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर हमने निवेदन किया है कि केवल
किसान नेता उद्बोधन देंगे, जो दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण आ रहे हैं, बंगाल में भी जो किसानों के बीच में काम करते हैं। ये दिल्ली में भी जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन चल रहा है उसमें कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी मंच पर नहीं आता है और वो यहाँ पर भी नहीं आएगा राजनीतिक पार्टी का नेता। और साथ ही साथ समर्थन तो जो पार्टियां किसानों को समर्थन दे रही हैं वो समर्थन दे ही रही हैं, जो विरोध में है वो हो ही रहा है। असल में यह मामला देश को बचाने वालों बनाम देश को बेचने वालों की लड़ाई है और इसलिए एक तरफ किसान समर्थक लोग हैं, किसान के हित चाहने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ अडानी अंबानी और विदेशी कंपनियों की साठगांठ के साथ किसानों की जमीन छीनने और किसानों की उपज के को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए कानूनों के हिमायती वाले लोग हैं। जी इसमें उत्तर प्रदेश से रहेंगे, उन सबका नाम से आप परिचित हैं, बलबीर सिंह राजेवाल जी पंजाब के बड़े किसान नेता हैं, जब पुराना किसान आंदोलन हुआ था उसमें उसका संविधान भी उन्होंने ही लिखा था। इसके साथ साथ इसमें गुरनाम सिंह चंडूनी जी जो हरियाणा से हैं वो आएंगे, इसमें डॉक्टर दर्शन पाल जी भी आएंगे, योगेंद्र यादव जी भी रहेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं रहूँगा, उड़ीसा से अक्षय कुमार जी की भी आने की संभावना है, इस तरीके से बिहार से भी लोग हैं, दिनेश जी हैं, ऐसे इसके साथ साथ और भी देश के तमाम संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व इस किसान आंदोलन में आएगा। कोलकाता में कब होगा ये प्रोग्राम? कोलकाता में 14 तारीख को होगा, कोलकाता में 13 तारीख को शाम को 4 बजे वहाँ पर बड़ी सभा। क्या सिविल प्रोग्राम में आप लोगों का? जो प्रोग्राम का शेड्यूल है वो ये है कि 11 तारीख को रात को कुछ किसान नेता पहुँच जाएंगे, कुछ 12 तारीख की सुबह पहुँचेंगे और 12 तारीख को इंटेलेक्चुअल मीट भी है, रामलीला वहाँ मैदान है वहाँ पर भी एक सभा होगी, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसके बाद 13 तारीख को नंदीग्राम, 13 तारीख को शाम को कलकत्ता, 14 तारीख को सिंगूर और 14 तारीख की शाम को आसनसोल, ये सभाएं किसान पंचायतें होंगी। राकेश टिकैत जी एक दिन शामिल रहेंगे, वो 13 तारीख को आएंगे। आसनसोल में काफ़ी सारे किसान नेता रहेंगे, गुरनाम सिंह चंडूनी जी रहेंगे, राजोवाल जी वगैरह रहेंगे और देश के तमाम और संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य दल हैं, सदस्य संगठन हैं, उनके किसान नेता यहाँ पर शामिल रहेंगे। सिखों की हमेशा से इस तरह की भूमिका रही है, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे किसी भी जबर जुलम की बात हो, चाहे किसी सियासी पार्टी का किसी आम आदमी पर अत्याचार हो, सिखों ने हमेशा अपने हक सच की आवाज़ को बुलंद किया है। ये भी किसानी हमारे सिख समाज के कित्ते के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे सिख समाज के प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर 80% लोग सिख जो हैं वो किसानी से संबंध रखते हैं, इसीलिए हमारा ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जबर जुलम वाला रवैया है किसानों के प्रति, उसकी आवाज़ को हम लोग जो उनके विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट की काले कानूनों के विरोध में जो आवाज़ उठाई है उसको समर्थन देने के लिए वेस्ट बंगाल की समूची सिख संगत एकजुट है और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें सभी समाज, सभी वर्ग और सभी किसान के साथ जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित लोग शामिल होंगे।